Right. Now, now please. Hello. आपको ठीक सामने वाले इसमें देखें। Congratulations, राजू जी। क्या फील करते हैं आप? आपकी पहली डेब्यू मूवी जिसका आपको बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार था, नाउ सक्सेस के मौके पर हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुद को लकी समझ रहा हूँ इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा फर्स्ट डेब्यू है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एक लीड रोल की और बहुत अच्छी सीरीज़ के साथ में, तो मैं बहुत खुद को लकी फील कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगा मेरे तरफ से एकता मैम को, वो इस काबिल समझे मुझे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। अगर मैं बात करूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए नहीं, तो अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो कितना बिलीव करते हैं आप नंबर्स में, बजट में, कितना कलेक्शंस में, इन सब चीज़ों में कितना बिलीव करते हैं? नंबर्स की बात, मतलब नंबर्स किस में, मेरे सोशल मीडिया के नंबर्स की बात कर रहे हो या रेटिंग की बात कर रहे हो? तो रेटिंग माशाल्लाह 4.8 की रेटिंग चल रही है अभी और मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को स्टोरी भी बहुत अच्छी लग रही है, लोगों को रघु भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो नंबर्स में मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ, मगर हाँ लोगों का प्यार और इतना सपोर्ट मिलता है तो मैं इस चीज़ में ध्यान देता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 4.8 की रेटिंग है। रूही जी के साथ में आपकी केमिस्ट्री बहुत पसंद की जा रही है, तो कैसे देखते हैं आप? रूही के साथ में मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है लोगों को। हालांकि मैंने और रूही ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ भी बहुत सारे किए हैं और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। रही बात वेब सीरीज़ की, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो आने वाले दिनों में और अब इसके अलावा और हम क्या कुछ देखेंगे आपकी तरफ से अनाउंसमेंट, म्यूज़िक वीडियो, फिल्म, ऑल्ट बाला जी की तरफ से होगा, क्या कुछ होगा? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लान है जो कि अभी कंफर्म नहीं है, तो इंशाल्लाह जैसे भी कंफर्म होता है और जैसे भी कुछ होता है मैं आप लोगों को पक्का अपडेट दूँगा। फैंस की तरफ से कुछ कहना? फैंस लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा से मुझे, जब मैं टिकटॉकर था, जब मैं टिकटॉक वीडियोस बनाता था तो वो लोगों का कहना था कि मैं मतलब एक म्यूज़िक वीडियो करूं। आज माशाल्लाह से मैंने इतने सारे म्यूज़िक वीडियोस कर दिया उनके प्यार और सपोर्ट से। तो अब उन लोगों का कहना था कि मैं वेब सीरीज़ करूं या तो कोई मैं मूवी करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक अच्छी वेब सीरीज़ किया हूँ जो मेरा फर्स्ट डेब्यू था। उनके प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इंशाल्लाह आगे चल के अगर वो लोग कह रहे हैं कि मैं मूवी करूँ, अगर इस लायक भी हूँ मैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर करूँगा। बताना चाहेंगे आप कि अपकमिंग क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आपकी तरफ से? अपकमिंग प्रोजेक्ट है और म्यूज़िक वीडियो भी बहुत सारे मैंने शूट किया हो जो कि अभी ऑन एयर नहीं हुआ है। तो मेरे 2-3 म्यूज़िक वीडियो है जो अभी ऑन एयर नहीं हुए, वो भी जल्दी आने वाले हैं। जैसे कैरम की रानी है और एक मैंने रूही के साथ में भी म्यूज़िक वीडियो किया था जिसका नाम अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है, तो जल्दी मैं नाम भी अनाउंस करूँगा। एक और है जो मैंने दुबई में शूट किया था। तो बहुत सारे प्लान सेटअप है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है आगे चल के, तो इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। थैंक यू जी। नाउ होल्ड। Thank you so much. रुकना राम जी, रुकिया रुकिया मां। राम जी पैसे बोलो कि हाँ भैया क्या बोल सकते हैं? अरे बोल ना, एक सोलो करता है राम जी भाई का सोलो। देखिए सेंटर में, एकदम सेंटर में जन्नत 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 फुल राइट साइड, जन्नत सेंटर में जन्नत 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 फुल राइट साइड। यहाँ पे सेंटर जन्नत ये फुल राइट वाली बात, जन्नत फुल राइट, जन्नत सेंटर सेंटर पास करना। ये बात जल्दी करा इधर जन्नत जन्नत साथ में। अरे बोलो फिर बोलो, आ रहा हूँ यहाँ पे देखिए दोनों सेंटर में देखिए फुल राइट। अरे हाँ भाई सॉरी सॉरी अरुण साथ में लेते ना, पहले फोटो होने दो उसके बाद। अरे पहले भाई 2 मिनट आगे ना, आगे ना भाई, आगे ना आगे आगे। ओके जन्नत 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 एक पिक्चर साथ में यहाँ पर आ गए। क्या कर रहे हो? अरे हम क्या, अरे ठीक है रुके नहीं, मैं भी फैजू जन्नत बोलो कि सेंटर जन्नत या ये सेंटर ये बैक बैक जन्नत जन्नत या सेंटर जन्नत या फैजू बोलो कि मैं क्या कर रहा। अरे भाई हटो ना यार, पीछे खड़े आगे आगे हो रहा तू। And I get together. Yes. All of your friends are sitting in the center में देखिए। थैंक यू। यहाँ पे एक जनत जी, सबसे पहले तो देखा आपने, देखिए अपने बैंग बैंग जी, क्या कहना चाहेंगे आप बैंग बैंग? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे बैंग बैंग से, बिकॉज टीजर उसका ट्रेलर सब कुछ इतना अमेजिंग था। और बिल्कुल देखी, बहुत अच्छा लगा, फैजू का काम स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया उसने। आपके आप बताइए आपको पसंद आया एक्शन? मैंने मतलब पूरी प्रॉपर नहीं देखी है, मैंने थोड़ा बहुत अपने के साथ देखा था, लेकिन जितना देखा मैंने वो मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। एक्शन कितना पसंद आया आपको? एक्शन तो फुल ऑन बैंग बैंग था, फुल ऑन बैंग बैंग था एक्चुअली, बहुत अच्छा लगा पूरी सीरीज जितना भी मैंने देखा उतना। ओके सो आने वाले दिनों में क्योंकि साल 2021 आ गया है, तो आप लोग बताइए इस साल का इंतज़ार हर किसी को था, तो अब आप लोग के कौन कौन से प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे? बहुत जल्दी बताऊंगी मैं, बस सही टाइम का वेट कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, पहले से बहुत अलग होगा और बहुत बड़ा होगा। दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपका सॉन्ग काफी हिट हुआ है। थैंक यू। जनवरी 2021 में क्या कहना चाहिए, मतलब आप लोग दोनों ने धमाल ही मचा दिया स्टार्टिंग ईयर्स से, और पता चल रहा है कि आप और एक और सॉन्ग आ रहा है राम जी के साथ आपका। हाँ आ रहा है, वो फेब में आ जाएगा मोस्टली इंशाल्लाह। और आप लोगों का प्यार इतना मिलता है हमेशा, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी हमेशा सपोर्ट करने आते हैं और हमारा प्रमोशन करने आते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और भी ढेर क्योंकि म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, तो और आने वाले दिनों में ऐसे म्यूजिक वीडियो देखेंगे राम जी? देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, बट फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा ही सिलेक्टिव वीडियोस कर रही हूँ। और क्योंकि ये जो मर्दा सारा इंडिया है, ये आई थिंक पूरा 8, 9, 10 महीने के बाद आया। मेरा 2020 में पहला वीडियो शूट किया था मैंने, आई गेस सेकेंड वीडियो शूट किया था, तो कुछ सिलेक्टिव कर रही हूँ, बट जो भी आएगा सब बहुत अच्छा आएगा और आई अनाउंस। थैंक यू। Look at me, you are only here. Look here. We want back to front. Back to front. Look here, please. जो है ना निशान निशाना वापस इधर सर छपने वाला इधर है गया। अदनान क्या कहना चाहिए? ट्रेलर कैसा लगा? बैंग बैंग और आज स्पेशल स्क्रीनिंग है, रेड कार्पेट है, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी हो रही है और हार्ड वर्क करते हुए देखे है फैसल को। और ये फैसल का एक अलग रूप जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते थे, वो तो फनी वीडियोस बनाते थे हम लोग और नॉर्मल ऐसे कॉमेडी कंटेंट, और उस सब चीज़ को लेके एक अलग रूप देखने को मिला है, एक्शन देखने को मिला है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फाइट सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद आया उसमें, पूरी सीरीज़ में बहुत खुशी हो रही है। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मेरे भाई का वेब सीरीज़ आया है और बहुत अच्छा लगा देख के। एक नवी एक्टिंग मतलब दिख रही है उठ के। पहला है वैसे तो बहुत अच्छा किया है, पहले जैसा भी किया है बहुत अच्छा किया है। पहला लिए तो लोग डर जाते हैं कि स्टार्ट में कोई नया, अगर स्टार्ट में उसने इतना अच्छा कर दिया है कि बैंग बैंग हो गया है। अब धीरे धीरे प्रोफेशनल एक्टर नहीं है पर फिर भी ही हैज़ डन वेरी नाइस वर्क। धीरे धीरे वो फॉर द बेस्ट सारे लोगों के लिए। हाँ, के बारे में क्या एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग उसकी कॉमेडी एक्टिंग देखे और नॉर्मल ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते थे हम लोग। खुद से सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाना एक डिफरेंट चीज़ होती है और एक सीरीज़ में मेन स्क्रीन पे इतने सारे लोगों के बीच में एक्ट करना और इतना अच्छा एक्शन और डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा था, बहुत वर्सेटाइल लगा, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा था तो देख के बहुत खुशी हुई। आप लोग की दुआ, आप लोग का प्यार रहेगा तो फिर लाइन अप है, बहुत सारी चीजें लाइन अप है, कुछ भी नहीं है अभी, इंशाल्लाह होएगा तो करेंगे इंशाल्लाह। अभी हाँ, छोटे भाई का मेरे गाना आने वाला है, इसको रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और गाने का नाम अभी सोचे नहीं है, तो बहुत जल्द हम लोग अपने सोशल मीडिया पे बताएंगे कि गाने का नाम क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, सो रूही जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म ये बैंग बैंग किया है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी फिल्म को लेकर एंड क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सारा प्यार और इतना अच्छा रिस्पांस हमें बैंग बैंग पे मिला है एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा एक्शन किया है एंड काफ़ी सारे महीनों से हम शूटिंग कर रहे थे, तो फाइनली जब हमारी मेहनत का फल इतना मीठा है तो इट फील्स रियली गुड। आपकी एंड बाजू की जो केमिस्ट्री है लोगों को पसंद की जा रही है, तो क्या कहना चाहिए आप अपनी केमिस्ट्री के बारे में? वेल, आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग मी एंड फैजू टुगेदर। आई थिंक बहुत सारा प्यार है फैंस में, बहुत सारा एक्साइटमेंट है, उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है एंड आई होप हम बहुत सारा काम फ्यूचर में भी साथ में करेंगे। आपके दोस्त भी यहाँ पर आए हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने भी ये फिल्म देखी, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या कुछ कमेंट आया उनकी तरफ से? सबको बहुत मज़ा आया, स्पेशली क्योंकि मैंने काफ़ी सारा एक्शन किया है तो मेरी मम्मी ने बहुत इन्जॉय किया है देखने में एंड मेरे फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने। एडलिन जो कि मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है बहुत ही जल्दी, और आवृत्ति जो कि मैं सुपर नेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग क्योंकि देयर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी एंड आई एक्चुअली कम तीनों ही हॉट एक्ट्रेस, आने वाले दिनों में आप भी एक्टर बने, लेकिन आप लोग तीनों ही माशाल्लाह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप लोग। Thank you so much and we are super excited for Ruhi because if you've seen the trailer, अगर आपने देखा होगा, it's so much of action and it's a lot of fun, so I can't wait for it and Ruhi, you've done a great job, so amazing. It feels so good because both of these girls are from the Miss India organization and we are who we are because of the Miss India organization and we support each other. Absolutely. You know, and I think thank you so much for coming here and I hope you all watch Bang Bang. Yeah, definitely you wouldn't miss it. Perfect. Kaisa laga Ruhi ma'am ka performance please batana. Oh, it's बहुत ही इंटरेस्टिंग था because you don't get to see कि women बहुत ये action you know roles करती हैं when Ruhi has a certain style about her that मतलब वो आती है screen पे and then you cannot style you cannot just take your eyes off that and I'm sure that everybody's going to watch that side of Ruhi and we get to see much more of that kick-ass action. Thank you so much, thank you guys, thank you for coming, I'm so happy to have you here guys, do watch Bang Bang, it's going to be amazing. Thank you रूही जी, और क्या कुछ इसके बाद अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं जी? बैंग बैंग करने वाली है, बहुत कुछ बैंग बैंग होने वाला है आने वाले टाइम में क्योंकि फरवरी में मेरी 2 और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। एक है विद संजय मिश्रा जी जो कि बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है वो शो, क्योंकि मेरे लिए बहुत अलग रोल था जहाँ पे आई प्ले समबडी फ्रॉम बिहार, सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, इट्स अ कॉमेडी एंड अनदर वन इज अ क्राइम थ्रिलर अगेन, पर जहाँ पे मैं कॉप नहीं हूँ पर मैं विक्टिम हूँ और क्या क्या आपके साथ आजकल के ज़माने में हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, उसमें प्रतीक बब्बर मेरे साथ नज़र आएंगे। फिर मेरे 2 गाने आ रहे हैं इसी महीने जी हाँ, 2 म्यूज़िक वीडियो आ रहे हैं, एक है सताने लगे हो जो कि 10 फरवरी को रिलीज़ होगा वैलेंटाइन डे के आसपास एंड उसमें है निंजा मेरे साथ जो कि बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, और दूसरा फैजू के साथ है इजाज़त गाने का नाम है, बहुत ही खूबसूरत गाना, वो 6 फेब को बाहर आ रहा है। Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Now visuals. Mark पे. Hold to इधर mark इधर है. जा भाई. Look here please. Look here. इधर भी देखे, राइट में साथ में आइए ना एक फाइट कर। बहुत मज़ा आया। मैं ये कहूँगी कि फैज़ू के साथ काम करके आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। शूटिंग के दौरान हमने सीन्स जब भी किए, हम दोनों ने अपना क्रिएटिव इनपुट दिया एंड मतलब पता ही नहीं चला कि कब हो गई सीरीज़ ख़त्म, शूटिंग कब ख़त्म हो गई। एंड बहुत ही सपोर्टिव को एक्टर है, एक्शन हो या फिर एक्टिंग हो, डायलॉग डिलीवरी हो, हम दोनों एक दूसरे को ही हमेशा सपोर्ट कर रहे थे एंड आई थिंक इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू। फैज़ू आप कुछ बताना चाहिए कैसा रहा है के साथ? रूही के साथ ये तो मेरा फर्स्ट डेब्यू था और रूही के साथ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि हमारी बहुत सारी मेमोरीज भी है शूट से, तो बहुत मज़ा आया रूही के साथ शूट करने में। और रूही बहुत हार्ड वर्किंग कर रही है। मस्ती तो बहुत सारी हुई है, जैसे कि हमने एक सीक्वेंस बताया था आपको कि हमको पता ही नहीं था कि कैमरा कट हो चुका है और हमारे बीच में एक फाउंटेन आ गया है और हम लोग सोच रहे थे कि अभी भी हम लोग रोल में। बहुत फनी, मतलब इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है बैंग बैंग शूट करने में। इतनी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म था सेट पे और आई एम सो ग्लैड कि जब रिलीज़ हो गया तो हमें रिजल्ट भी कुछ वैसा ही आ रहा है। आने वाले दिनों में कोई, जैसे कि मैम ने बताया सॉन्ग आने वाला है, उसके बारे में कुछ आप बताइए कैसा रहा? सॉन्ग बहुत अच्छा था और सॉन्ग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हालाँकि रूही के साथ में तो मुझे हमेशा मज़ा आती है शूट करने में। पहले दिन से जो वाइब थी रूही में अभी भी वही वाइब है, इतनी मज़ा आती है साथ में शूट करने में। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोगों का एक सॉन्ग आने वाला है। नाम तुमने बताई दिया है मैंने, इजाजत। देखा रूही ने पहले बोली, मैंने नहीं बोला। हाँ चलो मैंने पहले बोला। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड। Hold. Thank you. ट्रेलर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इनफैक्ट आई स्टार्टेड वॉचिंग द सीरीज ऑल्सो। बहुत अच्छा लग रहा है एंड वेरी वेरी हैप्पी फॉर फैज़ू। इट्स बीन सच एन इंस्पायरिंग जर्नी एंड आई लव हिम एंड आई थिंक अभी जल्दी जल्दी उनको हम मूवीज़ में भी देखेंगे, सो वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके, ट्रेलर 4.2 स्ट्रीमिंग आई है, 4.2 लोगों को रेटिंग मिली है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वंस मोर पीपल स्टार्ट वॉचिंग इट द रेटिंग विल गेट स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड पीपल लव फैज़ू। मैन उनकी इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया वेब सीरीज़ में। He is looking good. He's acted so well, and I think ये तो बस शुरुआत है फैज़ू के लिए। We'll see a lot more from him. So bang bang एक बस शुरुआत है, मैं कहना चाहूँगा, you know. और any upcoming project would you like to share? Yes. Me, फैज़ू and जन्नत, हमारा गाना आ रहा है करम की रानी. So we will, I think, be releasing it on this Valentine. तो बहुत ही special Valentine होने वाला है सबके लिए.